वा जिभिर् वाजिनिवति य॒ज्ञं वष्टु धिया वसु

तो उपासना कैसे करनी चाहिए ये संक्षेप में बता रहे हैं महर्षि ऋषि दयानंद तो इन्होंने बताया युंजते मन उत युंजते धिय विप्रा जो विप्र लोग हैं वो सबसे पहले अपने मन को और अपनी बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं उसके साथ तादात्म्य में कर लेते हैं विप्रस्य बृहत विपश्चित विहोत्र दधे वयुना विदेक इनम देवस्य सवितो परिष्टुति ही तो इसका एक पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि विदधे विदधे वयुना विदेक सर्वेशा जीवा शुभ शुभा यानी प्रज्ञा प्रजाश्चता वयुना विद्ध वयुनाथ का मतलब वयुनानी जो वयुनानी जानाती। वयुनानी जो माने शुभा शुभानी यानी प्रज्ञानानी उन सबको जो जानता है उसको कहा वायुनावित वो एक ही है अद्वितीय है वो सर्वत्र व्याप्त है ज्ञान स्वरूप है उससे ऊपर कोई नहीं है न अस्मात् उत्तम कश्चित पदार्थ इति तस्य देवस्य सर्वजगत प्रकाशक सवि तो सर्वजगत ईश्वर से सर्व मनुष्य ही, परिष्टुति ही। परिष्टुति माने परिता परितह मतलब परिष्टुति माने सब तरफ से उसी की स्तुति करनी चाहिए कैसी स्तुति मही महती महती स्तुति करनी चाहिए एवं कृत्य सती जीवा परमेश्वरम इति तो ऐसा करने से वो ईश्वर के ही गुणों से अपने आप को एकाकार कर लेते हैं मन को कैसे जोड़ें तो मन को जोड़ने के लिए क्या करें सब तरफ से ईश्वर की ही स्तुति करें प्रार्थना करें उपासना करें उसकी तो जिसकी बार बार स्तुति गाई जाती है तो वो फिर हमारे मन में बस जाता है इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी वाले क्या करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की बार बार ऐड करके उसकी स्तुति सुनाते हैं हमें और जिसकी स्तुति बार बार गाई जाती है तो वो फिर हमारे मन का पार्ट बन जाता है तो इसलिए हमें क्या करना है सब तरफ से जहां देखें वहां से ही ईश्वर की स्तुति करें हम रोटी देखें तो अन्न के अंदर भी वो ईश्वर ही है तो अन्न की स्तुति करें माने अन्न के माध्यम से ब्रह्म की स्तुति करें पानी पिए तो जल के माध्यम से उसकी स्तुति करें पृथ्वी से कुछ अन्न आदि उगाते हैं या इसका आश्रय लेके बैठते हैं या सोते हैं तो पृथ्वी के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करें इंद्रियों से वाणी से बोल रहे हैं तो वाणी के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करें क्योंकि ये बोलने का सामर्थ्य उसी ने दिया आंखों से देखते हैं तो आंख के माध्यम से हर दृष्टि से हम क्या करें परिष्टुति सब तरफ से ईश्वर की स्तुति करें स्तुति से प्रीति पैदा हो जाती है तो एक सामान्य सा मनुष्य है और उसकी ऐसे बढ़ा चढ़ा करके स्तुति की जाती है तो फिर उसके प्रति आकर्षण हो जाता है व्यक्ति सामान्य है और पता नहीं किस किस से किस किस अंग की उपमा कर करके और उसको ऐसा बना देते हैं एकदम तो ऐसे ही साधक व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो वास्तव में ही सर्वशक्तिमान है ईश्वर सर्व उसकी खूब ज्यादा स्तुति करनी चाहिए महती कहा महर्षि दयानंद ने कहा परिस्तुति का मतलब क्या है महती स्तुति तो मही ये इसमें भी आया मंत्र में भी आया इन मही देवस्य से सवितु जो इस सृष्टि का सृष्टा है परमेश्वर इतनी सुंदर सृष्टि को देख करके सब तरफ से उसका गुणगान करना चाहिए स्तुति करनी चाहिए तो फिर हमारा मन उसी में लग जाता है क्योंकि हम तो देखते ही नहीं है उसकी तरफ तो उसकी स्तुति नहीं करते हम हम तो प्रकृति की स्तुति करते रहते हैं शरीरों की स्तुति करते रहते हैं इसलिए प्रकृति से प्रेम हो जाता है शरीरों से प्रेम हो जाता है ईश्वर छूट जाता है तो उपाय बता रहे हैं स्तुति से प्रीति जिसकी स्तुति करते हैं उससे प्रीति पैदा हो जाती है तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए तो आपकी जो दिनचर्या है ना उसमें कुछ तो पांच दस मिनट तो कभी कभी वेद पाठ भी कर लिया करो कुछ वेद के सूक्त निकाल के अच्छे अच्छे सस्वर वेद पाठ रोज नहीं करते कभी महीने में बीस दिन में पंद्रह दिन में तो कभी आठ दस सूक्त यज्ञशाला में बैठ करके सस्वर बोलते ही चले गई श्रद्धा सूक्त पुरुष सूक्त बृहस्पति सूक्त और औरणी सूक्त संगठन सूक्त ऐसे पृथ्वी सूक्त सूर्य सूक्त अग्नि सूक्त कृषि सूक्त ऐसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो सूक्त हैं और कुछ यजुर्वेद के अध्याय चालीसवां अध्याय सोलवा अध्याय तो उनको करने से और फिर ध्यान से बैठ जाओ बस तो एकदम से चित्त शांत हो जाता है स्तुति करने से तो कभी कभी ऐसा प्रयोग करना चाहिए ये अगला है युंजान प्रथमम मना तत्वाय सविताधिय अग्निर्ज्योतिरिचाइय पृथिव्या अध्या भरत युंजान प्रथमम मन तो कह रहे हैं योग कुरवाण जाने मतलब योगम कुरवाण योग का मतलब यहां योगिक जोगिंग नहीं है योग करते हुए जोड़ते <imiatuk वाँगे> योगम कुरवाण सन तत्वाय तत्वाय माने ब्रह्मादि तत्व ज्ञान आय ब्रह्मा आदि के तत्व ज्ञान के लिए उसके साथ जुड़ते हुए योगम कुरवाण सन उसके साथ जुड़ते हुए प्रथमम मनोयुंजान सबसे पहले मन को जोड़ते हुए प्रथम मनोयुंजान सन सविता कृपया परमेश्वर स्वस्मिन उपयुक्ते तो कह रहे हैं कि सबसे पहले जिसको तत्व का ज्ञान करना है ब्रह्मादि के ब्रह्मादि तत्व का ज्ञान करना है तो पहले अपने मन को उसमें जोड़ते हुए अस्थि जो अपने मन को जोड़ता हुआ स्थित है बैठा है तीय परमेश्वर कृपया तो उसकी जो बुद्धि है वो ईश्वर की कृपा से स्वस्मिन उपयुंते अपने आप के साथ वो जुड़ जाती है खुद में ही उसकी बुद्धि जुड़ जाती है मानी आत्मभाव में वो स्थित हो जाता है खुद के साथ जुड़ जाता है ऐसा करते हुए मन को जोड़ते ही मन के बुद्धि जो मन का अनुसरण करती है तो मन को जैसे ईश्वर में लगाया तो बुद्धि तुरंत आत्म भाव में आ जाती है फिर अग्नेर ज्योति य तो अग्ने ईश्वर से ज्योति क्योंकि अग्ने मतलब ईश्वर से ईश्वर से ज्योति प्रकाश स्वरूपम निचाईय निचाइय माने निश्चित ऐसा निश्चय करके अग्नि ज्योति ही मतलब ईश्वर का स्वरूप कैसा स्वरूप प्रकाश स्वरूप जहां अंधकार का लेश भी नहीं है जहां अज्ञान का लेश भी नहीं है तो जैसे ही बैठे आप तो तुरंत अपने मन में भावना क्या की और अपने मन में विचार क्या किया कि इस समय हम उस ज्योति स्वरूप के पास बैठे हैं उस ज्ञान स्वरूप के पास बैठे हैं तो हमारे मन में अज्ञान का अंधकार का इस समय जब तक बैठे हैं लेश मात्र भी नहीं आ सकता है ऐसी भावना करें तो अग्नि ईश्वर से ज्योति ही प्रकाश स्वरूपम ने यथावत् यथावत निश्चित स योगी स्वात्मनि परमात्मा धारितवान भवेत और फिर अपनी आत्मा में ही उस परमात्मा को वो धारण करने वाला होवे क्योंकि परमात्मा सारी सृष्टि में सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है और उस ब्रह्मांड में मैं भी एक शरीर हूं मतलब शरीर को मैं कहकर के जब हम देखेंगे तो ये शरीर भी उसी में है और उस शरीर के अंदर जो मैं आत्मा हूं मुझे आत्मा के पास ही वो परमात्मा है तो अपने बाहर भी सब तरफ परमात्मा को व्यक्ति कल्पना करे जो कि सत्य कल्पना है और अपने अंदर भी अपनी आत्मा के पास भी ईश्वर में ही मैं डूबा हुआ हूं ऐसी सत्य कल्पना करी तो फिर वो कल्पना सत्य सिद्ध होती क्योंकि वो है ही सच तो शुरू में तो कल्पना ही करनी होती है और जब परेशान हो तो मैं शांति के सागर में डूबा हुआ हूं दुखी है परेशान है जब निर्बलता महसूस होती हो तो मैं अनंत शक्ति के सागर में डूबा हुआ हूं ऐसे उसको कल्पना करनी चाहिए फिर वो कल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है जब कोई जीवन में परेशानी आए तो भगवान की परम कृपा आकर के बरस रही है कृपा है ये मेरे लिए कृपा आई है और उसको कृपा के रूप में स्वागत करें तो वो कृपा ही बन जाती है फिर ऐसा सोचते हैं तो तो इसलिए कह रहे ये ईश्वर से ज्योति प्रकाशस्वूप नीच्य यथव निश्चि से योगी स्वात्मनी परमात्म धारित्व भवि इदमेव पृथिव्या मध्ये योगिन उपासक लक्षण लक्षण वेदितव्य कह रहे पृथिव्या मध्ये इस धरती के ऊपर योगिन उपासक योगिन मतलब उपासक से उपासक का इदम एवं लक्षणम योगी होता ही वो ही है। उसका ये उसका लक्षण यही है उपासक का लक्षण यही है कि जैसे ही वो उपासना के लिए बैठे जैसे ही वो योग के लिए बैठे तो सबसे पहले अपने मन को और बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ दे और उस परमात्मा के भी कौन से रूप के साथ जोड़ दे ज्योति स्वरूप के साथ प्रकाश स्वरूप के साथ ताकि हमें दोषों से दूर रहने का अभ्यास हो सके जब हम एक घंटा प्रकाश स्वरूप के साथ रह सकते हैं तो धीरे धीरे दो घंटा भी रह सकते हैं फिर अभ्यास को बढ़ा के ढाई तीन चार घंटा भी रह सकते हैं फिर पूरे दिन भी रह सकते हैं तो ऐसा अभ्यास करे यही योगी का लक्षण है उसके ज्योति स्वरूप का प्रकाश स्वरूप का ऐसा निश्चय करके और वो बैठे सर्वे मनुष्य एवं इच्छेयुहु करें सभी मनुष्यों को ऐसे ही सोचना चाहिए युक्ते न मनसा वयम देव से सवितु सवे स्वर्गया शक्तिया युक्त सविता देवान्वर्यतो धिया दिवम बृहज ज्योति क्य सविता प्रसुवाति युजेवा नमो पूर्व नमोश्लोकू पथिव सूरे वसुरे तो विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु तो तीसरे मंत्र का अर्थ कर रहे हैं युक्त न मनसा वयम देवस्य सवितु सवे सर्वे मनुष्य एवं इच्छेयु सब मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कैसी इच्छा स्वर्ग्याय स्वर्ग्याय मतलब मोक्ष मोक्ष सुख की इच्छा करनी चाहिए शक्तिया शक्तिया मतलब योग बल उन्नत्या योग बल की उन्नति के द्वारा देवस्य देवस्य माने स्वप्रकाशस्य आनंद प्रदस्य जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है जो आनंद प्रद है ऐसे सवितुहु सर्वांतरयामीन परमेश्वर सबके अंदर रहने वाला सर्वांतरयामी परमेश्वर का अनंत ऐश्वर्य उसके अनंत ऐश्वर्य में युक्तेन मनसा युक्त मन वाला होकर के माने योग युक्त योग युक्त ने शुद्ध अंत शुद्ध अंत से से वोपयुंजी मही शुद्ध अंतःकरण के साथ हम उसके अंदर उपयुंजी मही हमने अपने आप को जोड़ लिया है ऐसी ही उसको भावना करनी चाहिए युक्त न मनसा वयम देवस्य सवितु सवे स्वर्ग्याय शक्तिया स्वर्ग के लिए शक्त्या शक्ति के साथ शक्त्या मतलब योग बलेन एन उन्नत्या योग बल की उन्नति के द्वारा योग बल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम उसमें प्रवेश करते जाएंगे तो हर घटना को साधक को क्या लेना चाहिए ये मेरे योग की बल की उन्नति के लिए आई है ये घटना मेरे जीवन में सुखद आए तो भी दुखद आए तो भी अनुकूल आए तो भी प्रतिकूल आए तो भी और हर स्थिति से उन्नति करनी ही है जब कोई अनुकूल वस्तु दिखे तो उस समय त्याग का भाव होना चाहिए क्योंकि जो भी ऐश्वर्य जो भी धन जो भी मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा जो भी आया है वो मेरे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नहीं है उसको दूसरे की सेवा में लगाना है तो वहां तो त्याग का भाव होना चाहिए जब कोई उपलब्धि हो और जब कुछ छीना जा रहा है हमारे से जब कुछ हमारे से लिया जा रहा है तो समझो कि भगवान हमें कुछ दिव्य देना चाहते हैं इसलिए अदिव्य को अविनाशी अपने आप को देना चाहते हैं इसलिए विनाशी को हमारे से छीन लिया है जिसकी सब विनाशी चीजें छीन जाती हैं तो उसके पास फिर केवल अविनाशी बच जाता है तो प्रतिकूल परिस्थिति आए तो सोचना चाहिए कृपा आ गई है और हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी मेरे अंतकरण को पवित्र करो तो अंत करण पवित्र करने के लिए वहां से किसको हटाना पड़ेगा राग द्वेष को क्योंकि अंत करण अपवित्र किससे हो रहा है राग से हो रहा है और राग द्वेष को हटाने के लिए जब भगवान ने अगर आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो आपसे उन वस्तुओं को और उन व्यक्तियों को हटाएंगे जिनके प्रति आपका बहुत राग था और जब उनसे हटाया जाता है उन व्यक्तियों को और उन वस्तुओं को तब हम चिल्लाते हैं कि ऐसे क्यों हुआ मेरे जीवन में उसको क्यों हटा दिया वो वस्तु क्यों छीन ली तो आपने तो प्रार्थना की थी कि राग और द्वेष को हटाओ तो प्रार्थना आपकी स्वीकार हो गई तो ताकि आपका राग उससे छूट जाए इसलिए वो व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है आपसे दूर जा रहा है इसलिए वो वस्तुएं आपसे दूर जा रही हैं आपने तो, आप तो प्रार्थना की थी आप भूल गई शायद और जो लाना है वो आपके पास आ रहा है जैसे ही आपका राग हटेगा द्वेष भी हट जाएगा क्योंकि जहां राग है उसके दूसरे साइड में द्वेष है किसी एक से राग है तो उसके बीच में बाधा जो भी आएगा उसके साथ द्वेष होगा जब हमने राग ही छोड़ दिया द्वेष अपने आप छूट जाएगा क्योंकि जो चाहत ही नहीं है किसी वस्तु को या व्यक्ति को पाने की तो फिर उसमें बाधा डालने वाले के प्रति भी कोई द्वेष नहीं है चीजें आती हैं तो आएं जाती हैं तो जाए सब भगवान की हैं, तो ये अंतकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया हैं, अब प्रार्थना तो कर लेते हैं लेकिन जब भगवान प्रार्थना करके सुन के और उसको अंतकरण को शुद्ध करने लगते हैं तब हम फिर उसको करने नहीं देते तो हम डबल रोल खेलते हैं परमात्मा के साथ कि जो मेरे को अच्छा लगता है वो कुछ भी छीने नहीं मेरे से और मेरे अंतःकरण को भी शुद्ध कर दो तो दोनों काम कैसे हो सकते हैं भाई या तो फिर परमात्मा के ऊपर सौ प्रतिशत विश्वास करना पड़ेगा कि जो भी जीवन में आ रहा है और क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं और भगवान की प्रतिज्ञा क्या है न मैं भक्त प्रणश्यती मेरा भक्त कभी नष्ट होगा नहीं तो जिम्मेदारी उसकी है वो मुझे कभी नष्ट होने देगा नहीं ये जिम्मेदारी उसकी है मेरी थोड़ी है तो अब जो भी आ रहा है कुछ मेरे को समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ईश्वर के ऊपर श्रद्धा और विश्वास अनन्य है मुझे पता है कि उन सब में मेरा कुछ ना कुछ भला ही छिपा हुआ है तो इस तरह से फिर हमारा योग बल है उसकी उन्नति होती रहती है इसलिए इन्होंने कहा योग बल की उन्नति के द्वारा उस आनंद प्रद का सर्व अंतरयामी परमेश्वर प्रभु के अनंत ऐश्वर्य से या अनंत ऐश्वर्य में योग युक्त शुद्ध अंत करणे न सदोपयुंजी मही हम उसमें अपने आप को युक्त करते हैं स्थिर करते हैं आगे युक्त सविता स्वर्यतो धिया दिव एवं योग करीष्यत सभ्या इस प्रकार योगाभ्यास किए जाने वाले के द्वारा शुद्ध भाव प्रेमणा स्वर्यत स्वर्यतः का अर्थ किया है शुद्ध भाव से प्रेम से शुद्ध भाव प्रेमणा देवान देवान मतलब उपासकान यहाँ उपासक को भी देव कहा है उपासकान योगी नहा। योगी नहा सविता अंतर्यामी ईश्वर कृपया ईश्वर कृपया युक्तवाय युक्तवाय माने तदात्म तदात्मसु प्रकाश करने न सम्यक युक्त्या धिया स्वकृपाधार वृत्या बृहज्योति ही अनंत प्रकाशम दिव्यम स्वस्वरूपम प्रसुआति प्रकाशयति तथा करिष्यतः सत्यभक्तिम करिष्यमानान उपासकान योगीनाह परम करुणिक अंतर्यामी ईश्वरः मोक्षदानेन सदा आनंदयति इति तो कह रहे इस प्रकार से योगाभ्यास किए जाने पर किस प्रकार का योगाभ्यास शुद्ध भाव प्रेमणा शुद्ध भाव से और प्रेम से उपासकान योगिना इन उपासकों को जो इस तरह से शुद्ध भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं तो ऐसे उपासकों को अंतर्यामी ईश्वर वो अंतर्यामी ईश्वर क्योंकि वो भी तो जान रहा है ना कि उपासना तो कर रहा है ये साधक लेकिन भाव क्या है इसका स्वार्थ का भाव है यह केवल उपासना करने का ही भाव है उपासना कई तरीके से हो सकती है ना उपासना उपासना के लिए भी हो सकती है उपासना किसी कामना की पूर्ति के लिए भी हो सकती है और फिर वो कामनाएं भी कई प्रकार की हो सकती हैं हो सकता है कि किसी का भला करने की कामना हो हो सकता है अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति करने की कामना हो सकता है किसी का बुरा करने की कामना हो तो कामना भी देखी जाएगी तो ऐसे अनेक प्रकार से उपासना की जा सकती है तो सबसे अच्छी उपासना वही होती है जो उपासना उपासना के लिए की जाती है कि हम साधक हैं योगी हैं सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं जागरूक मनुष्य हैं। तो हमें उस ईश्वर की उपासना करनी ही चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिया है जिसने हमारे लिए कितना किया है ऐसे कृतज्ञता के भाव से भर करके उपासना के लिए ही जो उपासना की जाती है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने के लिए जो उपासना की जाती है वो सबसे अच्छी उपासना होती है नहीं तो व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट आए तो व्यक्ति उपासना किस लिए करता है कि भगवान इसको हटाओ मेरे को बचाओ मेरा उद्धार करो तो जो सच्चा उपासक कह, है वो कहेगा कि नहीं ये जो भी आ रहा है शरीर को प्रभावित करता है इंद्रियों को प्रभावित करता है और जरूर आपने इसके पीछे कुछ ना कुछ भला सोचा होगा या कोई कर्माशय कट रहा होगा तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है अच्छा आ रहा है तो भी चिंता नहीं है बुरा आ रहा है तो भी कोई चिंता नहीं है बस मेरी उपासना ये ही है कि मैं एक पल भी तुझे ना भूलूं तेरी चरण शरण से दूर ना हो हमेशा मेरा ध्यान तेरे चरणों में लगा रहे इस तरह से व्यक्ति जब ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा से युक्त होकर के शुद्ध भाव प्रेमणा प्रेम भाव से शुद्ध भाव से युक्त होकर के जब प्रार्थना करता है तो उपासकान योगिना अंतर्यामी ईश्वर कृपया अंतर्यामी ईश्वर अपनी कृपा से तद आत्मसु उनकी <RIPsinusica> आत्मा में ही प्रकाश न प्रकाश कर देता है अपना प्रकाश उनकी आत्मा में कर देता है अपना ज्ञान उनकी आत्मा में दे देता है सम्यक युक्तवा अच्छी तरह से उनकी आत्मा को प्रकाशित करके उनकी आत्मा को ज्ञान युक्त करके स्व धार वृत्तिया अपने कृपा को धारण कराने की वृत्ति के द्वारा बृहद ज्योति ही अनंत प्रकाशम उस अनंत प्रकाश को कैसा अनंत प्रकाश है दिव्यम स्वस्वरूपम अपने उस दिव्य स्वरूप को प्रकाशयति उसके अंतःकरण में प्रकाशित कर देता है ये व्यक्ति अधिकारी बन जाता है उसके प्रकाश को देखने का तथा करिष्यत और कह रहे हैं सत्य भक्तिम करिष्यमानान उपासकान जो सच्ची भक्ति कर रहे हैं ऐसे उन उपासकों को योगी जो परम कारुणिक अंतरयामी यहां तो उनके हृदयों को प्रकाशित करता ही है यहाँ तो उनको सुख विशेष देता ही है और उसके पश्चात मोक्षदान न सदा आनंद सदा उनको आनंद में रखता है ईश्वर ईश्वर के पास आनंद की कोई कमी है नहीं तो जिनको परम आनंद चाहिए सदा आनंद चाहिए वो क्या करें ईश्वर की उपासना करें कितना सरल उपाय बता दिया खूब उसकी स्तुति गाएं प्रार्थना करें उपासना करें बस उसके साथ ही चिपके रहें तो खूब आनंद यहाँ भी करेंगे यहाँ से जाने के बाद मोक्ष में भी आनंदित रहेंगे आज यहीं विराम लेते हैं शान्तिशान्तिः स्त्रीगुरुभ्यो नमः